मध्य प्रदेश से जाएगी भाजपा की सत्ता, सड़कों पर उतरे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी आलाकमान से प्राप्त निर्देशों और रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। संकेतों से साफ है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाने का प्लान बना चुकी है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस 15 जनवरी से सूबे में एक जन आंदोलन पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी आम लोगों को साथ लेकर 15 जनवरी से वादा निभाओ सरकार आंदोलन शुरू करेगी। आपको बता दें कि जीतू पटवारी महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल का दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो वादा किया है उन वादों को पूरा कराने के लिए कांग्रेस दबाव बनाएगी। वादे मंत्रिमंडल विस्तार होते ही पूरे किए जाने चाहिए। कांग्रेस विपक्ष के रूप में सभी चुनावी वादों को पूरा कराने का प्रयास करेगी और यदि भाजपा की सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो 15 जनवरी से जन भावनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से वादा निभाओ सरकार आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस मौजूदा सरकार को मजबूर करेगी कि जनता से किए गए वादे जल्द से जल्द पूरे किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, हल चलाना जानता हूं, सूबे में समस्याओं का हल करना भी मुझे आता है। फिलहाल जीतू पटवारी के इस बड़े बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।